माय गुडनेस, यहाँ का जो व्यू है ना अलग ही लेवल का है। 960 रुपए का नमक, इतने में तो पूरा देश खा जाता है हमारा नमक। कुछ काम नहीं करता गगन और ट्रॉली चलाने पहुंच जाता है। तो अभी नाश्ता बना रहा हूँ मैम। अच्छा। 3 अंडे 3 लोगों के लिए। ओके, बना लो। हाँ, ये कर लो पहले। चल पका मत, जल्दी से करो। नरेन, रिस्क है तो इश्क है। शॉर्ट्स में हम बाहर निकल रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा आइस जमी हुई है। तो बेसिकली क्या हुआ है ना, रात को हमें कोई जगह नहीं मिली रुकने के लिए, कोई जगह ही नहीं मिली। तो गगन भाई ने क्या किया बता, अलग ही स्वैग। इधर ही बीच में पार्क कर दी गाड़ी, बोलते हैं शिट आई एम टायर्ड आई एम स्लीपिंग, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी। अलग ही टेंशन है। ओ माय गॉड, बहुत ठंड हो रही है, मेरा ये सब उड़ रहा है, इतनी ज्यादा आइस जमी हुई है। विंडशील्ड अभी डिफॉग हो रही है, हम जाएंगे करने कहीं। तो हम यहाँ पे क्यों आए पता है, यहाँ पे टॉयलेट है बट लॉक्ड, अनफॉर्चुनेटली। ठंड बहुत लग रही है बट व्यूज आर सो माइंड ब्लोइंग। अलग ही कैंपिंग कल्चर है ये। देखो यहाँ पे बाहर का भी बहुत सेक्सी है, ठंड हो रही है। मैं ऐसे कुछ पहन वहन के नहीं आया क्योंकि मैं आया वॉशरूम, बहुत सारे टॉयलेट से मास्टर बड़ा वाला है, हम इसमें घुस जाएंगे। उल्लू। अच्छा, ठंड तो हो रही है बहुत लाजवाब। क्या व्यू है यहाँ से, वाटरफॉल वहां पे, हमारा घर यहाँ पर, और माय गुडनेस, यहाँ का जो व्यू है ना अलग ही लेवल का है। अरे भाई, ये तो पानी है, यहाँ पे कैसे उतरे हम? ओके, देयर इट इज, नाइस। तो वैसे तो गाड़ी यहाँ पे पार्क होती है बट हम अपने घर को उधर पार्क करते हैं कॉर्नर में, क्योंकि टेक्निकली लॉजिकली आप दो गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे ले नहीं सकते, मोटर बहुत निकला रहता है ना पीछे से। अब हम यहाँ पर आए हैं पानी की बॉटल खरीदने और रिसाइकल करने पुरानी बॉटल, 3 तो मैंने फेंक दी क्योंकि मैं वॉशरूम लेके गया था, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इसलिए फाइनली बनाना मैन इज हियर। चलो अंदर घुसते हैं, यहाँ पे तो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, चिप्स उठाएंगे क्योंकि जंक फूड इज लाइफ। पुराने अंगूर खत्म नहीं हुए, मैंने नए वाले से उठा दिए गगन को चढ़ाने के लिए। नोरेन, ये देखो शॉपिंग क्या किया मैंने, देखो पोपट हो गया। ये बॉटल रिसाइकल नहीं हो सकती क्योंकि ये हमने स्वीडन से ली थी और अब अभी हम नॉर्वे में। बाय द वे, मैंने 3 बॉटल फेंक दी, उसके लिए मुझे डांट पड़ी थी, अभी वो रिवर्स होनी पड़ेगी डांट, क्योंकि वैसे भी बॉटल्स कुछ काम की नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये पॉली लिखा हुआ है। हाँ, मुझे भी पहले ऐसे पॉटी लगा बट पॉली है। अब ये देखो नमक यहाँ पे, ये 1 किलो नमक है 12 का 12, मतलब 12 × 8 समझ लो, बहुत महंगा है। लगभग पड़ता है 960 रुपए का नमक, इतने में तो पूरा देश खा जाता है हमारा नमक। और ये 125 ग्राम है, ये 10 का है, 10 मतलब 11 का, तो ये लगभग हुआ 700 रुपए का, जबकि छोटा है। बस पैकिंग के पैसे ले रहे हैं। अरे मैं रिटर्न कर दूंगा पैकिंग बाद में, पैसे वापस कर दो। तो ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई, टाइम लग गया काफी और कुछ ज्यादा मिला भी नहीं क्योंकि ये छोटी सी शॉप है, सुपरमार्केट, सब ऑप्शन है नहीं, अच्छे वाले चिप्स नहीं, ये मिले चिप्स। अरे हम आए हैं चिप्स खाने, और क्या काम से आए हैं। चलो कुछ काम का मिला है यहाँ पे, फायर ट्रक वगैरह। नाइस, कौन सी चाइनीज ब्रांड का ट्रक है समझ नहीं आ रहा। लैडर है, नाइस। क्या भाई, पार्किंग सेंसर नहीं काम करे तुम्हारे? एडास नहीं है तुम्हारी ट्रॉली में? ये देखो गजब की चीज, ये ना ऑटोमेटिकली हिलता रहता है। हेलो, हाउ आर यू, यू कॉमेडी? एनीवेज, ये ऐसे घूम रहा है तो अच्छा है, अच्छी विजिबिलिटी मिलती है आजू बाजू। यहाँ के स्टोर मैनेजर ने हमें बताया कि ये जो ऐप है ना, इसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रोड कहाँ क्लोज्ड है, कहाँ कैमराज है वगैरह वगैरह। तो अभी ये डाउनलोड करेंगे और फिर अपनी वैन उड़ाएंगे। कुछ काम नहीं करता गगन और ट्रॉली चलाने पहुंच जाता है। और यहाँ पे है महिंद्रा का ट्रैक्टर। क्या व्यू है, क्या व्यू है। कुछ भी बकवास गगन ने बोला, वरना पैसे तो सेंगे, ले लो ले लो। लंगूर के हाथ में अंगूर हो गए। नहीं लिसन ना, ये चिपक गया देखो, देयर सम काइंड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट क्या बना रही हो? बीन्स, फ्रेंच बीन्स। पर बीन्स तो मैं देता हूँ। ऐसे बैठे बैठे हम वेट कर रहे थे और इतने में स्नोइंग चालू हो गई। नूरेन कुछ खाना वाना बना रही है और देखो स्नो एकदम खतरनाक वाली। 1x कैमरा की कहानी देखो। हाँ, फोन गिर गया और लेंस का कवर क्रैक हो गया, इसकी वजह से मैं 1x यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि मतलब कैमरा ठीक है बट वो क्या बोलते हैं, साइड से फ्लेयर लेयर वगैरह आ रही तो वो फोकस ही नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉनिक शॉप आए हैं हम अभी,
ताकि हम सिम कार्ड ले सकें, क्योंकि जो हमने स्वीडन में लिया था सिम कार्ड उसकी डेटा बहुत कैप्ड हो गया, जैसे हम नॉर्वे में हैं तो एक और सिम लेना पड़ेगा यहाँ पे ताकि यहाँ पे चला सकें। सिम कार्ड हमें नहीं मिला, इनफैक्ट वो बंदा बोलता है कि सिम कार्ड मैं आपसे को दे सकता हूँ अगर आप नॉर्वे में एक साल रहे हैं, अगर एक साल रहते तो गलत पार्किंग में थोड़ी लगाते हम। अच्छी गाड़ी आ रही है शूट करने, एक साल भी रह जाते यहाँ पे, इनके पास कुछ नहीं शूट करने के लिए, ना ही देश का लोहा ना ही कोई और लोहा। तो टूरिस्ट सिम लेने हम यहाँ पर आ गए हैं अभी, सॉरी यहाँ पे तो हम डीजल भराना है टूरिस्ट सिम, वहाँ पे 69 लीटर डीजल गया अंदर इसके, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, लास्ट टाइम 80 लीटर भराया था और 69 लीटर का कितने मैं बताता हूँ अभी पे करके। सिम कार्ड वापस नहीं मिला क्योंकि सिम कार्ड में ये बोल रहे हैं कि भरो फॉर्म वॉर्म पासवर्ड वासवर्ड दो 24 घंटे बाद वो भेजेंगे ये वो वगैरह, इतना टाइम नहीं हमारे पास, हम और कहीं देखेंगे। 14,000 का फ्यूल किया गाड़ी में अभी, तो पी तो रही है काफ़ी, बट गाड़ी नहीं ये तो घर है ना। गाड़ी थोड़ी लेफ्ट साइड खींच लीजिए तो यहाँ पे रोका था टायर प्रेशर देखने, हवा पंचर वंचर के चक्कर में। यहाँ पे फोर्ड मस्टैंग मां की दिख गई, उसके पीछे क्या लगा हुआ है उससे जरा दूर ही रहो, काफी ज्यादा स्नो हो रही है। एक हमें यहाँ पे शॉप दिखी शायद इसमें हमें सिम कार्ड मिल जाए, तो चलो अंदर घुस के वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिम कार्ड के अलावा सब कुछ मिल जाता है, हाँ सच में सब कुछ है इस दुकान में, सब कुछ होलसेल चॉकलेट वॉकलेट ऐसी टाइप की अतरंगी चॉकलेट वॉकलेट, मतलब घर वर का सब सामान, लेकिन सिम कार्ड नहीं मिलेगा भाई। 14,000 काफ़ी होते हैं फ्यूल भराने के लिए, 70 लीटर 80 लीटर मतलब 17,000, लेकिन ये जाती है लगभग 900 किलोमीटर एक फुल टैंक पर, और पूरा घर भी चलाती है ना, तो मतलब सिलेंडर अलग है उसका अलग खर्चा, अभी तक हमने इंकाउंटर नहीं किया, वो भी चेंज करवाना पड़ेगा। वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, धूप आई थी 5-10 मिनट के लिए, वापस स्नो स्टार्ट हुआ। सर किधर जा रहे हैं आज हम? आगे आगे जा रहे हैं, ओह माय गुडनेस। यहाँ पे स्नो ने डिवाइडर बना दी, वहाँ पे लेक है, उसके पीछे माउंटेन्स हैं, और क्या चीज़ जिंदगी में। ये तो एक गोमे ही खुल गया, चलो अभी पानी भर रहे हैं क्योंकि गाड़ी में पानी भी खत्म है, टॉयलेट भी फुल है, तो ये सब अभी कर रहे हैं। यहाँ पे स्पॉट मिला है, स्पॉट नहीं मतलब ये कैरावैन के लिए डेडिकेटेड लिए, देखो यहाँ पे कैरावैन का फोटो भी बना हुआ है, यहाँ से आधा पानी गिर रहा है वहाँ पे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा आ रहा है। तो फाइनली फिगर आउट हो गया, पानी भर रहे हैं अंदर क्योंकि खाली हो गया था। ओके जी, तो वक्त आ चला है मल जो है उसको साफ करने का। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे कैसेट बोलते हैं इसको, टॉयलेट कैसेट, इसमें कोई गाने नहीं बजते हैं, इसमें गाने बजाते बजाते अंदर हमें अपना सिस्टम करना होता है। भाई तो भर गया है पूरा, मैं बोल रहा था आपको बहुत हैवी तो तो गगन जी फाइनली पॉटी की ही नहीं है, हाँ पॉटी की नहीं, सिर्फ पेशाब है, मैं कब से बोल रहा हूँ खाली करते खाली करते, लेकिन हल्के में ले रहे हैं भाई साहब। इसको घुमाओ, दूर हटो, ड्रॉप कर, ये कितने सालों का किया हुआ है टॉयलेट क्लीन कर दिया आपने, टॉयलेट हो गया साफ, साफ हो गया तो ये लो नहीं अरे सैनिटाइजर लो यार, तो सैनिटाइजर तो लो, नहीं नहीं सैनिटाइजर यूज करो भाई। वो जो टॉयलेट का कैसेट है ना उसमें ये डालना पड़ता है, उससे वो ब्लू ब्लू लिक्विड बन जाता है और मतलब बैक्टीरिया वैक्टीरिया निकाल देता है। तो अभी हम करेंगे ड्रेन जो भी वाटर है वेस्ट वाटर, सिंपल कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, एंड सो वहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है, टॉयलेट का कुछ ही निकलता है, सिर्फ वेस्ट वाटर जैसे खाना हाथ धोने का वगैरह जो भी पानी का है वो जाएगा यहाँ से बाहर। थोड़ा और आगे लो, और आगे लो, और आगे लो, बस 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 दैट्स इट। दिख नहीं रहा मुझे, खींचना आगे ना, देयर इट इज। चिप्स खाने का अलग ही फील है ट्रिप पे।
अभी हम चढ़ गए हैं एक फेरी पे, क्योंकि हमें जहाँ जाना है ना, फेरी इज द ओनली वे। गाड़ी से जाएंगे बहुत ज़्यादा डिटर विटर होकर टाइम वेस्ट होगा, तो सीधा फेरी पे चढ़े। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हम जैसे ही फेरी पे चढ़े 5 सेकंड के अंदर फेरी चल गई। नो टाइम पास, नो टाइम वेस्ट, टिकट विकट कुछ काटा नहीं, अभी काटेंगे ऑन द रूट। सो ये अलग ही सिस्टम है, यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। हमारा हाथी वहाँ पे खड़ा हुआ है, दिख रहा है, और टिकट विकट लिया ही नहीं कुछ लोगों ने, अलग ही टेंशन में। ये देख सकते हो आप, थोड़ा मैं अभी अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आपको। और ये देखो बड़ा सा ट्रक जो भी क्रॉस कर रहा है, बाय द वे कुछ पैसे नहीं लिए, अरे भाई स्टैंड के दीवाने। भयंकर हवा चल रही, बहुत ही तेज, वेरी रफ सी टुडे। एंड अगर अभी हम इंडिया में होते ना, 100% गाड़ियां यहाँ पे अटक जाती, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव होती है ना, सब फेक की फेक एसयूवीज, यहाँ पे सब कुछ फोर व्हील ड्राइव है। ये देखो कितनी ज्यादा कीचड़ है, आइस की वजह से पूरा स्लश बन के रखा है। टकराते रहते हो जहाँ देखो, तुम्हारे पार्किंग सेंसर नहीं चलते भाई। अच्छा खासा मॉल बना के बैठे हैं। अच्छी बात ये है, जैसे हमने फेरी ली ना, हमने माउंटेन्स क्रॉस करके सिटी में आ गए, यहाँ पे चीजें मिल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिम कार्ड भी लेंगे। और ऑफकोर्स क्यों अपनी गाड़ी में फालतू का वेट इंक्रीज करें। यहाँ पे सिम कार्ड तो नहीं मिला, लेकिन मस्त गेमिंग सेटअप करके बैठे हैं ये सब बेचने के लिए। सोचा तो उठा लूँ, बट कैसे लेकर जा पाऊंगा इंडिया, तो इस मॉल में भी नहीं मिलने वाला, तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अब फाइनली कोई एशियन शॉप पे मुझे मिल गया सिम। ये मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए, नूरेन को चाहिए, क्योंकि शी हैज टू वर्क ना, तो उसको ये सिम की जरूरत है। मेरे पास अभी 10 GB डेटा बाकी है। सनरूफ का एक्चुअल फायदा, यहाँ से ड्रोन उड़ाने का। हाँ यही भाई, अगर इंडिया में बनता नाम तो पॉट होल का पिटारा होता अभी तक। तो हमारे पास कुछ पानी नहीं है, तो वॉशरूम नहीं यूज कर सकते हम मोटर होम में।